नमस्कार, मैं बनवारीलाल कुशवाहा और आप देख रहे हैं C20 न्यूज। देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। फिरोजाबाद जिले के शुकोहाबाद नगर में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक दूध व्यापारी पंजाब नेशनल बैंक से 50,000 रुपये लेकर निकला था। उसी समय थोड़ा आगे चलकर मुकेश पुत्र राधेश्याम निवासी नगला उम्मेद थाना जसराना से नगरपालिका के पास दो अपाचे सवार युवकों ने कहा कि वह पुलिसकर्मी है, चेकिंग कराओ के बहाने 50,000 रुपये लेकर फरार हो गए। पीड़ित ने थाना शुकोहाबाद में जाकर अपने साथ हुई घटना से अवगत कराते हुए पुलिस से न्याय की गुहार लगाई। एक तरफ देखने वाली बात यह है कि शुकोहाबाद में क्राइम सभी हद पार कर चुका है। लूटपाट करने वाले लोग पुलिस से बेखौफ होकर दिन दहाड़े वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। यह पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। हालांकि घटना की जानकारी होते ही तत्काल घटनास्थल पर पुलिस पहुंची और मामले की जानकारी में बारीकी से जुट गई। पंजाब बैंक से पैसा निकाला और नगर पालिका के सामने 50,000 रुपये कौन ले गया? बदमाश से ले गए। और कौन ले गए? हमारे बहनों ही थे। क्या नाम है? मुकेश। कहाँ से रहने वाले? नगरा उम्मेद। पुलिस आई? कटेना रिश्ता पुलिस बाद में आई, 10 मिनट बाद। पता लगा क्या? कोई अभी तक नहीं। किसने से बदमाश ले गए? अपाचे गाड़ी थी और एक स्प्लेंडर थी। क्या कह रहे हम? पुलिस चेकिंग वाले गाया और अफीम ये चेक कर रहे हैं।